हेलो स्टूडेंट्स मैं नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं टू पाई क्लासेस क्लास एट मैथमेटिक्स बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे डेटा हैंडलिंग इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं या आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं डेटा हैंडलिंग एन सी आर टी एग्जाम्पलर क्लास एट तो आपको हमारे वीडियो मिल जाएंगे या आप चैनल पे विजिट करिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नाइनटीन से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि एन सी आर टी एग्जाम्पलर बुक कौन सी बुक होती है बच्चों तो एन सी आर टी एग्जाम्पलर एन सी आर टी के ही साथ एक और बुक होती है जिसकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ये बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप यूट्यूब आप गूगल पर टाइप करिए एन सी आर टी एग्जाम्पलर बुक्स तो आपको एन सी आर टी का एक वेबसाइट मिल जाएगा वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या आप मार्केट से इसको परचेस भी कर सकते हैं आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोल रहा है कि रोहन एंड शालू आर प्लेइंग विद फाइव कार्ड्स तो ध्यान रखें बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां पर आप ध्यान रखें ओनली फाइव कार्ड्स का गेम हो रहा है ये फिफ्टी कार्ड्स नहीं है जो हमने आपको एनसीआरटी में पढ़ाया था वो फिफ्टी कार्ड्स नहीं है ठीक है ना ओनली फाइव कार्ड्स है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव ठीक वन पे वन लिखा हुआ है सेकंड मतलब टोटल फाइव कार्ड है सबकी नंबरिंग वो रखी है ठीक है ना इस पे वन लिखा है इस पे टू किसी पे थ्री किसी पे फोर किसी पे फाइव इस तरीके से ठीक अब इस कार्ड को हम अच्छी तरीके से क्या करेंगे इस तरीके से फेंट देंगे अच्छी तरीके से और इसमें से एक कार्ड उठाएंगे और उस कार्ड पे टू आ जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी यही पूछा इन्होंने पढ़िए जरा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहन पिकिंग अ कार्ड विदाउट सींग दैट हैज द नंबर टू ऑन इट ठीक रोहन को फाइव कार्ड दे दीजिए रोहन से बोलो भाई कार्ड में मत देखो उधर देखो अच्छे से इसको, इस तरीके से फैट फैट दो अच्छे से ठीक है जैसे आप खेलते हो ठीक फिर से बोलो रोहन से बोलो भाई एक कार्ड निकालो रोहन इसमें से एक कार्ड निकालेगा ठीक देखना नहीं है इसमें बिना देखे रोहन एक कार्ड निकालेगा तो वो कार्ड जिसपे टू लिखा है उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी ये आपको पूछ रहा है जो कार्ड निकल रहा है उस कार्ड पे टू लिखा हो इस बात के क्या चांसेस हैं तो बहुत इजी बच्चों यहां पर टोटल आउटकम्स कितने तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हम कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इज इक्वल्स टू टोटल कार्ड वन टू थ्री फोर फाइव तो डिनोमिनेटर में हम फाइव रखेंगे बिकॉज टोटल पॉसिबिलिटीज को डिनोमिनेटर में रखते हैं और जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं ठीक है उसको उसके नंबर को आप न्यूमरेटर में रखते हो ठीक तो यहां पर टू नंबर कितने कार्ड पर लिखा है ओनली यस वन कार्ड पर और टू कार्ड पर ध्यान दे बच्चों टू कार्ड ऐसे हैं जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वन टू ठीक है टू कार्ड्स ऐसे हैं जिस पर नंबर टू लिखा है ठीक है ना तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे टू या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक्स योर इवेंट आपका इवेंट क्या है टू का आना तो टू कितने कार्ड्स पे आ रहा है वन टू इसलिए ऊपर हम क्या लिखेंगे टू अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे यहां पर देखिए आप ये मत समझो कि उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू इसलिए मैंने ऊपर टू लिखा है ना 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 टू नंबर वाले टू कार्ड्स है इसलिए ऊपर टू लिखा हुआ है ठीक है ना सो so, यहां पर बच्चों क्या टू बाय फाइव आ रहा है यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ओके कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सब आपस में रिलेटेड है ये वाले पाई चार्ट से तो सबके आंसर आइए हम एक एक करके करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन इन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वॉट इज द रेशियो ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल्स टू दैट ऑफ द प्रोटीन्स इन द बोन्स ठीक तो देखिए हमको रेशियो निकालना है किसका किसके साथ प्रोटीन इन द मसल्स प्रोटीन इन द मसल्स टू प्रोटीन इन द बोन्स ओके स्टूडेंट्स सो प्रोटीन इन द मसल्स यहाँ पे लिख लेते हैं देखिए प्रोटीन इन मसल्स इसका रेशो निकालना है हमको किसके साथ प्रोटीन इन द मसल्स टू का मतलब डिवाइड का साइन लगाओ ऐसा करके ठीक टू दैट ऑफ द प्रोटीन इन बोन्स तो नीचे हम लिखेंगे क्या डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे प्रोटीन इन द बोन्स प्रोटीन इन द बोन्स ओके चलिए अब बच्चों यहां से जाके देखिए जरा प्रोटीन इन द मसल्स मसल्स में जो प्रोटीन है उसका फ्रैक्शन क्या है वन बाय थ्री तो यहाँ ऊपर हम लिखेंगे न्यूमरेटर में वन बाय थ्री और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे प्रोटीन इन द बोन्स ठीक तो बोन्स में जो प्रोटीन है उसका फ्रैक्शन क्या है वन बाय सिक्स तो नीचे हम लिखेंगे वन बाय सिक्स अब मेरे ख्याल से ये तो सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे ठीक ये हमने चैप्टर नंबर वन में सीखा था ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सबसे पहले वन बाय थ्री लिखा हमने ठीक उसके बाद वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय ये डिवाइड का साइन है तो हमने इस तरीके से लिखा यहाँ पे डिवाइडेड बाय फिर नीचे क्या लिखा है वन बाय सिक्स हमने लिख दिया कुछ नहीं किया है वन बाय थ्री को ऐसे ही कॉपी किया फिर डिवाइडेड बाय का साइन हमने ऐसे लगा दिया डिवाइड का साइन फिर नीचे लिखा था वन बाय सिक्स तो लिख दिया वन बाय सिक्स यानी कि वन बाय थ्री डिवाइडेड बाई वन बाय सिक्स वन बाय थ्री डिवाइडेड बाय बाय सिक्स अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से कितना आ जाएगा वन बाय थ्री और ये डिवाइड का साइन हटा के आप यहाँ क्रॉस लगाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि सिक्स बाय वन ऐसा हो जाएगा ठीक अब इसको सॉल्व कर लीजिए थ्री वन ज़ा थ्री होता है थ्री टू जो सिक्स होता है ऊपर आ जाएगा टू इंटू वन टू और नीचे वन इंटू वन वन यानी कि बच्चों यहाँ से आ जाएगा टू इस टू वन ये लीजिए ऊपर बच गया टू नीचे बच गया वन टू अपॉइन वन का मतलब टू इज टू वन ठीक सो प्रोटीन इन द मसल्स का रेशियो प्रोटीन इन द बोन्स के साथ कितना है टू इज टू वन है तो क्या ऑप्शन में कहीं टू इस टू वन दे रखा है बच्चों चेक करिए करिएस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है इसको नोट कर लीजिए नोट कर लीजिए बिकॉज अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू कराऊँगा ठीक है बच्चों नोट कर लीजिए वहाँ पर थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी उसको मैं रब कर दूंगा नोट नोट कर कर लें स्टूडेंट्स लिया चलिए अब आ जाइए यहाँ पर चलिए सो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन में बोल रहा है व्हाट इज सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इन द अबव रिप्रेजेंट स्किन एंड बोन टुगेदर स्किन एंड बोन टुगेदर तो देखिए करना कुछ नहीं यहां पर स्किन और बोन टुगेदर इसका मिलाकर आपको टोटल सेंट्रल एंगल यहां पर पूछ रहा है अब देखो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते थे याद है सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों दिए गए फ्रैक्शन को आई रिपीट दिए गए फ्रैक्शन को हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते थे याद है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा किसी ने मसल्स का फ्रैक्शन मसल्स के लिए सेंट्रल एंगल निकालो तो मसल का फ्रैक्शन कितना है वन बाय तो हम वन बाय को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ये टोटल एंगल कितना होता है थ्री ठीक तो किसी फ्रैक्शन को अगर 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि 360 डिग्री का कितना पार्ट मसल्स को शो कर रहा है या किसी भी दूसरे डेटा को शो कर रहा है ठीक तो यहां पे थ्री वन जी टू जो तो मसल्स का एंगल कितना आ जाता है वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री ओके okay? बट ऐसा इन्होंने मसल्स के लिए नहीं पूछा है किसके लिए पूछा है स्किन और बोन का टुगेदर तो बच्चों ध्यान से चेक करो स्किन का और बोन का टुगेदर एक साथ पूछा है तो देखिए एक साथ पूछा है इसका मतलब है निकालने के इसको दो तरीके हैं क्या कि भाई स्किन का आप निकाल लो पहले यानी कि वन बाय टेन इन थ्री सिक्सटी तो ये स्किन का सेंट्रल एंगल आ जाएगा ये वाला ठीक और बोन का प्लस बोन का निकालने के लिए क्या करेंगे बोन का फ्रैक्शन क्या है वन बाय सिक्स तो वन बाय सिक्स इंटू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री ऐसे कर लेंगे ठीक अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए ओके एक और तरीका है क्या ये तरीका है कि आप दोनों के फ्रैक्शंस को ऐड कर दीजिए भाई स्किन का फ्रैक्शन वन बाय टेन और बोन्स का फ्रैक्शन वन बाय सिक्स ठीक यानी कि वन बाय टेन प्लस वन बाय सिक्स सो वन बाय टेन और प्लस वन बाय सिक्स और दोनों का जो सम आ रहा है ठीक दोनों का जो सम आ रहा है वन बाय टेन और प्लस वन बाय सिक्स ओके स्टूडेंट्स तो दोनों का जो सम आ रहा है उसको हम थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे अब सुनो ये अंदर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए तो ये थ्री सिक्सटी डिग्री इधर जाएगा तो पहले फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा यानी कि वन अपॉन टेन इंटू थ्री सिक्सटी ओके और प्लस यहाँ से हो जाएगा वन अपॉन सिक्स इंटू थ्री सिक्सटी आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर सकते हो ठीक है ना डायरेक्ट भी वही आंसर आता है जैसे पसंद कर सकते हो ठीक अब देखो अच्छा यहाँ से जीरो से जीरो चला गया है थर्टी सिक्स बचेगा थर्टी सिक्स अपॉइन्ट वन थर्टी सिक्स डिग्री यहाँ से आ जाएगा और प्लस सिक्स वनजा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स और जीरो यहाँ पे बचेगा सिक्सटी टू वन सिक्सटी ये लीजिए सो सिक्सटी डिग्री प्लस थर्टी सिक्स डिग्री कितना आ जाएगा नाइन्टीटी सिक्स डिग्री लीजिए बच्चों तो स्किन का और बोन का टुगेदर मिलाकर ये टोटल सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा नाइन्टी सिक्स डिग्री ओके ये कितना हो गया नाइन्टी सिक्स डिग्री ओके सो क्या ऑप्शन में दे रखा है यस ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए बिकॉज अभी इधर मैं रब कर दूंगा मुझे थोड़ी सी यहां पे जगह चाहिए होगी ओके स्टूडेंट्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन नोट करिए फटाफट -फ़्ट। नोट कर लीजिए बच्चों नोट कर लिया है चलो वेरी गुड नाउ, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे पूछा कि क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हारमोन एन्जाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स तो हारमोन्स एनजाइम्स एंड अदर प्रोटीन अब मेरी बात ध्यान से सुनो इंपॉर्टेंट बात हार्मोन्स एंड अदर प्रोटीन्स के लिए आपको फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है जैसे भाई मसल्स का फ्रैक्शन वन बाय थ्री है स्किन का फ्रैक्शन वन बाय टेन है बोन्स का फ्रैक्शन कितना है वन बाय सिक्स है एन्जाइम्स और ये हारमोन्स एन्जाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स के लिए भाई फ्रैक्शन तो पता नहीं है तो पहले तो आप फ्रैक्शन पता करो ठीक फ्रैक्शन पता कर लोगे तो उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंट्रल एंगल आपको यहां पे मिल जाएगा सेंट्रल एंगल मांगा हुआ है किसके लिए हार्मोन्स एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स के लिए अब देखिए यहां पर फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए जितने भी फ्रैक्शन होते हैं आई रिपीट मेरी बात सुनिए जितने भी फ्रैक्शन होते हैं बच्चों सबका सम हमेशा वन के इक्वल होता है आई रिपीट जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सबका सम वन के इक्वल होता है मतलब अगर हार्मोन्स एंड एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स के फ्रैक्शन को हम एक्स अज्यूम कर लें ठीक तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे थोड़ी सी जगह भी चाहिए होगी बच्चों का जो फ्रैक्शन है उसको एक्स, कर सो एक्स प्लस यहां से देखिए वन बाय थ्री सा, सारे के सारे फ्रैक्शन ऐड कर दो और उसको उठा के वन के इक्वल रख दो क्योंकि सभी फ्रैक्शंस का सम हमेशा वन के इक्वल होता है ठीक वन का मतलब होल पार्ट ठीक सो इसका फ्रैक्शन एक्स माना प्लस वन बाय थ्री प्लस वन बाय टेन और प्लस वन बाय सिक्स ओके इन सबको ऐड किया और इक्वल टू में वन रख दिया अब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए एक तरीका तो ये है करके दिखाता हूँ एक और तरीका है वो भी करके दिखाऊंगा ठीक तो चलिए यहाँ से हो जाएगा बच्चों कितना एक्स अब देखो इन तीनों को ऐड कर दो इन तीनों को आपस में ऐड कर दो तो थ्री टेन और सिक्स का एल्शियम ले लो कितना आ जाएगा यहाँ से थ्री टेन और सिक्स का एल्शियम ले लोगे आप थ्री वन ज थ्री टेन ऐसे ही रहेगा थ्री टू जो सिक्स ठीक टू से ले जाओ टू से पहले भी ले जा सकते थे वन टू फाइव ज़ा और टू वन जा, फिर फाइव से जाएगा फाइव वन जा वन जा वन जा, ठीक थ्री जी जो सिक्स फाइव ज़ा थर्टी तो कितना आ गया थर्टी आ गया सो so एक्स तो ऐसे ही रहेगा एक्स प्लस और इस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा एल्सियम आ जाएगा यहाँ पे नीचे थर्टी अब देखो थर्टी को आप थ्री से डिवाइड करो कितना आएगा टेन टेन को वन से मल्टीप्लाई आएगा टेन प्लस थर्टी डिवाइडेड बाई टेन थ्री थ्री इंटू वन थ्री प्लस थर्टी डिवाइडेड बाय सिक्स फाइव आएगा फाइव इंटू वन फाइव ये लीजिए कुछ नहीं किया बस फ्रैक्शंस का सम कर लिया है ठीक एलसीएम लेके जैसे हमने चैप्टर नंबर वन में सीखा था सो एक्स प्लस अब यहाँ पे देखिए टेन प्लस थ्री कितना होता है थर्टीन थर्टीन प्लस फाइव कितना होता है एटीन ठीक सो so, यहाँ से आ जाएगा कितना एटीन बाय थर्टी काटना हो तो काट दो कोई दिक्कत है नहीं इज इक्ल्स टू वन और नहीं काटना है तो उसको सीधे राइट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्फ कर दो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन माइनस एटीन बाय थर्टी ओके तो सॉल्व करते हैं

तो यहाँ पे कर रहा हूँ तो x इजिक्वल टू अभी तक कितना आ चुका है हमारे पास वन बाय वन माइनस एटीन बाय थर्टी ओके सो यहाँ से आ जाएगा x इजिक्वस टू थर्टी और वन का एल्सियम होता है थर्टी थर्टी को वन से डिवाइड करोगे के थर्टी आएगा थर्टी इंटू वन थर्टी और माइनस थर्टी को थर्टी से डिवाइड करोगे वन आएगा एटीन इंटू वन एटीन होता है ये लीजिए सो so यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी थर्टी माइनस एटीन कितना होता है बच्चों टेन माइनस एट टू हो जाएगा और टू माइनस वन वन ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व बाय थर्टी ये लीजिए ठीक अब यहाँ से ट्वेल्व इसको कैंसिल करो तो सिक्स से जाएगा सिक्स टू दा ट्वेल्व सिक्स फाइव का क्या होता है थर्टी सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू बाय फाइव आ गई यानी कि बच्चों ऐसा फ्रैक्शन जो कि हार्मोन्स एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स को दिखा रहा है वो फ्रैक्शन कितना है इसका फ्रैक्शन कितना आ गया टू बाय फाइव आ गया अब यहाँ का सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रैक्शन पता चल गया टू बाय फाइव को थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंगल आ जाएगा ठीक एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं यहां पे डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो जब भी माइनस एटी बाई थर्टी ऐसा दिखाई पड़े वन से कोई फ्रैक्शन माइनस हो रहा हो कुछ नहीं करना है थर्ट को उठा के वन में मल्टीप्लाई कर दो थर्ट इन टू वन थर्टी माइनस एटी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय बाटी ऐसे कर लो डायरेक्ट कर लो ठीक थर्टी इंटू वन थर्टी माइनस एटीन डिवाइड बाई थर्टी ओके तो ये सब तो आपको आता होगा चैप्टर नंबर वन में पढ़ा है आपने चलिए एक्स की वैल्यू आ गई अब सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं यहां पे ठीक तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों यहां पे करता हूँ ठीक सो सेंट्रल एंगल कितना आ जाएगा मेरा ये आ जाएगा फ्रैक्शन क्या है टू बाय फाइव टू बाय फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री हंड्रेड सिक्सटी से ठीक चलिए इसको सॉल्व करते हैं फाइव वन द फाइव फाइव सेवन ज थर्टी फाइव वन जाएगा तो ये टेन बन जाएगा फाइव टू ज टेन ठीक यानी कि टू इंटू सेवेंटी टू कितना होता है 144 डिग्री ये लीजिए बच्चों तो एंगल कितना आ गया 144 डिग्री यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ये फर्स्ट मेथड है इसको करने का अभी मैं इसको आपको सेकंड मेथड बताता हूं इसी को करने का सेकंड मेथड बताता हूं पहले इतना कर लीजिए ये तो हमने किया यहां का फ्रैक्शन नहीं पता था तो फ्रैक्शन यहां का फाइंड कर लिया उसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया ये पहला तरीका है ओके अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं पहले इतना नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए कर लिया है चलिए अब देखिए बच्चों इसी को करने का सेकेंड मैथड तो इसको करने का जो सेकेंड मैथड है वो ये है कि आप क्या करो आप मसल्स का सेंट्रल एंगल निकाल लो कितना आ जाएगा 360 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री अभी सॉल्व करके दिखाया था ठीक है स्किन और बोन्स का टुगेदर कितना आ रहा था सेंट्रल एंगल इन दोनों का मिलाकर अभी आपको कितना आ रहा था बताइए ऑप्शन डी था ना यहाँ पे 96 आ रहा था दोनों का मिला के तो इन दोनों को मिला के नाइन्टी आ गया अब हमको पता है कि टोटल एंगल जो होता है सेंटर पर टोटल एंगल मतलब यहाँ से लेके यहां तक जो टोटल एंगल का सम होता है वो थ्री होता है ठीक तो अगर हारमोन एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन्स का एंगल अगर आप कितना ज्यूम कर लो एक्स डिग्री तो एक्स डिग्री और प्लस इसका हो गया 120 डिग्री ठीक और इन दोनों का मिला के हो गया 96 डिग्री इन सब का जो सम है वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 360 डिग्री क्योंकि सेंटर पे टोटल एंगल कितना बनता है 360 डिग्री ठीक है ये ज़्यादा अच्छा तरीका है इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा पर फिर भी दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया तो एक्स डिग्री और प्लस वन ट्वेंटी प्लस नाइनटी सिक्स एड करिए कितना हो जाता है वन ट्वेंटी और प्लस 96, सिक्स सिक्स प्लस जीरो सिक्स नाइन प्लस टू इलेवन वन जाएगा टू टू हंड्रेड सिक्सटीन हो जाता है ठीक तो यहाँ से हो गया टू हंड्रेड डिग्री इज इक्वल्स टू थ्री हंड्रेड सिक्सटी डिग्री अब टू हंड्रेड सिक्सटीन को राइट हैंड साइड ट्रांसफोर्स करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी थ्री सिक्सटी डिग्री और टू हंड्रेड सिक्सटीन राइट में जाकर सब ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये लीजिए ठीक अब थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन कितना होता है थ्री हंड्रेड सिक्सटी माइनस टू हंड्रेड सिक्सटीन माइनस करिए टेन माइनस सिक्स फोर फाइव माइनस वन फोर थ्री माइनस टू वन हंड्रेड फोर्टी फोर डिग्री बच्चों यहाँ पे सेंट्रल एंगल आ चुका है ठीक है ना तो आंसर आपका उसी तरीके से आएगा आपको जैसे पसंद है वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेकेंड वाला मैथड करिए है ना क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स सो इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ट्वेल्व टाइम्स एंड द आउटकम्स आर ऑब्जर्व एट

टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल शायद आपको वीडियो में दिख रहा हो नहीं दिख रहा है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए गूगल से या आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल बुक हो है ना वैसे दिख रहा होगा टेल हेड टेल टेल हेड हेड ठीक तो अब ट्वेल्व आउटकम्स में से हेड कितने टाइम्स आ रहा है यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स दैट मेक यूर दैट मेक नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक योर इवेंट कितने ऐसे आउटकम है जो आपके इवेंट को बनाते हैं आपका इवेंट क्या है हेड का आना ठीक सो so, हेड ये देखिए एक बार यहां पे हेड आया है वन फिर एक बार यहाँ पे हेड आया है, टू फिर एक बार यहाँ पे हेड आया है, थ्री फिर एक बार यहाँ पर हेड आया है, फोर और एक बार यहाँ पे हेड आया है, फाइव तो, तो, तो टोटल फाइव टाइम्स हेड आया है, इसलिए ऊपर रख देंगे फाइव सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और चांस ऑफ गेटिंग हेड इज फाइव बाई ट्वेल्व सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अब देखिए ट्वेंटी फोर क्वेश्चन को पढ़ोगे आप जल्दीबाजी कर दोगे आंसर आपका गलत हो जाएगा इसमें कोई प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं पूछ रहा है तो इसमें बस आउटकम्स पूछ रहा है देखिए कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स थ्री रेड फाइव ब्लैक एंड फोर ब्लू बॉल्स एक बैग है बच्चों और इस बैग में आपके पास फाइव रेड बॉल्स हैं फाइव रेड बॉल्स हैं ठीक उसके बाद फाइव ब्लैक बॉल्स हैं फाइव ब्लैक बॉल्स हैं और इसी तरीके से इस बैग के अंदर आपके पास फोर ब्लू बॉल्स हैं तो आपसे यहां क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स शुरुआत में ही उसने क्वेश्चन पूछ लिया है टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स बताने अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहाँ पे क्या कितने हो जाएंगे तो जवाब है जितनी बॉल्स हैं ऑब्वियसली जितनी बॉल्स हैं फाइव प्लस फाइव फाइव प्लस थ्री था रेड थ्री थी रेड फाइव नहीं है रेड कितनी है थ्री है ओके सो रेड बॉल आपकी कितनी है थ्री बॉल्स हैं ओके सो रेड को थ्री कर देते हैं यहाँ पे हाँ तो जितने बॉल्स हैं उतने ही पॉसिबल आउटकम है भाई आप खुद सोचो या तो रेड में तीन तीनों रेड में से कोई एक बॉल आ सकती है मतलब या तो फर्स्ट वाली रेड आएगी या तो सेकंड वाली रेड आएगी या तो थर्ड वाली रेड आएगी तीन आउटकम तो ये होगा इसी तरीके से फाइव ब्लैक बॉल्स हैं यानी कि या तो फर्स्ट वाली ब्लैक आएगी या तो सेकंड वाली ब्लैक आएगी या तो थर्ड वाली ब्लैक आएगी या तो फोर्थ वाली ब्लैक आएगी या तो फिफ्थ वाली ब्लॉक ब्लैक बॉल आएगी आपके हाथ में में हाथ डाल के ऐसा निकालोगे ना ठीक यानी कि फाइव आउटकम्स तो ब्लैक वाले के लिए हो गए और इसी तरीके से फोर ब्लू बॉल्स हैं यानी कि फर्स्ट वाली या तो ब्लू बॉल आएगी या तो सेकंड आएगी या तो थर्ड आएगी या तो फोर्थ आएगी ठीक तो टोटल कितने आउटकम्स हो गए फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस फोर ट्वेल्व सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अ ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डाटा इज नोन एज ठीक है तो बच्चे उसको डबल बार ग्राफ बोलते हैं ये एनसीईआरटी में हमने पढ़ रखा है क्लास एट में अगर आपको याद हो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सब्जेक्ट्स हैं हिंदी इंग्लिश मैथ्स ले लेते हैं ठीक है सो हिंदी के सब्जेक्ट ये रहे ठीक और इंग्लिश के लिए सपोज ये रहा और मैथ्स के लिए सपोज़ ये रहा ठीक है तो ये बारोग्राफ इस तरीके से डबल बारग्राफ बनाते थे सपोज ये हिंदी सब्जेक्ट के लिए मान लो ठीक और ये इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ठीक है और ये क्या है मैथ्स के लिए मान लीजिए ठीक तो ये देखिए ये वाला दिखा रहा होगा फर्स्ट सेशन को सपोज़ तो ये दिखा रहा होगा क्लास मान लो आप क्लास सेवन्थ में थे और जब ये क्लास एट्थ में आ गए तब के मार्क्स हैं आपके ठीक फर्स्ट वाला जो है वो क्लास सेवन्थ को दिखा रहा है ये सेवन्थ को और ये दिखा रहा है क्लास एट्थ को ठीक ये दिखा रहा है सेवन्थ को और सेकेंड वाला दिखा रहा है क्लास एट्थ को इसको देखते हुए हमें पता चल रहा है कि हिंदी में मार्क्स क्लास सेवन्थ में कम थे और क्लास सेवन्थ में और क्लास एट्थ में हम पहुंच गए तो हमारा हिंदी में इंप्रूवमेंट हो गया ठीक फिर इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है क्लास सेवन्थ में हमारे लेस मार्क्स थे एट्थ में पहुंच के इंप्रूवमेंट हो गया मैथ्स में हमारे सेवन्थ क्लास में ज्यादा मार्क्स थे एट्थ में आके मार्क्स हमारे डिक्रीज हो गए ठीक है ना वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए अच्छी तरीके से पढ़िए नहीं होगा ठीक है ना बट यहाँ पे आप देख रहे हो टू सेशंस के टू क्लासेस के डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं ठीक है क्लास सिक्स और एट के सॉरी सिक्स और एट रहा रहो सेथ और एट के डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं कि भैया पहले हिंदी में कितने मार्क्स थे अब कितने हो रहे हैं इसी तरीके से मैथ्स और इंग्लिश के भी मार्क्स हम सेवंथ और एट्थ क्लास के कंपेयर कर रहे हैं तो इसको कैसे कंपेयर करते हैं डबल बार ग्राफ से ठीक है so, सो इन्होंने हमसे यही बोला है ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा अब टू सेट्स ऑफ डेटा को अगर आप साइमेंटेनसली यानी कि एक ही साथ दिखा रहे हो तो ऑब्वियसली आप कुछ ना कुछ कम्पेरिजन कर रहे हो ठीक है तो इसको हम किसकी हेल्प से करते हैं डबल बार ग्राफ्स की हेल्प से ओके स्टूडेंट्स ठीक है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिए द साइज ऑफ द क्लास अब बच्चों एक क्लास इंटरवल दिया है वन फिफ्टी टू वन सेवेंटी फाइव ठीक है ना तो ये जो क्लास इंटरवल आपको यहाँ पर दिया हुआ है ठीक वन फिफ्टी टू वन सेवेंटी फाइव इसमें जो स्टार्टिंग में नंबर होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट लोअर लिमिट और ये वाला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट ओके स्टूडेंट्स अपर लिमिट अब हमको साइज ऑफ द क्लास निकालना है तो क्लास साइज भी इसको हम बोलते हैं क्लास साइज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमेशा याद रखिएगा क्लास साइज कैसे निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक तो अपर लिमिट क्या आपका वन और माइनस लोअर लिमिट क्या है वन तो आंसर कितना आ जाएगा आपका ट्वेंटी तो जाके देखिए क्लास साइज ट्वेंटी दिया है ये yes. सो so, इस तरीके से अब देखो यहाँ माइनस ट्वेंटी फाइव भी दिया है उस पर मत लगा देना गलती से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले को माइनस करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ओके स्टूडेंट्स तो ये हो गया इसको आप नोट कर लीजिए Now, students, question number 27 चेक करिए जो डाई होती है ऐसी लूडो की डाई होती है है क्यूबिकल शेप की क्यूब होता है एक तरीके से है ना यहाँ पे वन लिखा रहता है फिर टू लिखा रहता है यहाँ थ्री यहाँ फोर और सामने फाइव और पीछे सिक्स ओके तो टोटल सिक्स फेसेस होते हैं यानी कि लूडो की डाई को जब आप थ्रो करोगे तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होते हैं या तो वन आएगा या तो टू आ जाएगा या तो थ्री आ जाएगा या तो फोर आ जाएगा या तो फाइव आ जाएगा या तो सिक्स आ जाएगा और इसने हमसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर सेवन सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर सेवन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा जीरो क्यों सेवन आता ही नहीं है सेवन है ही नहीं तो इसके चांसेस कितने हो जाएंगे जीरो फिर भी हम आपको निकाल के दिखाते हैं डिनोमिनेटर में हम टोटल पॉसिबल आउटकम्स रखेंगे और न्यूमरेटर में हम क्या रखेंगे नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक योर इवेंट ठीक यानी कि सेवन कितने टाइम मतलब सेवन कितने फेसेस पे लिखा है ये जाके देख लीजिए टोटल सिक्स फेसेस होते हैं सेवन लिखा ही नहीं होता है यानी कि सेवन यहाँ जीरो टाइम्स है ठीक तो नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक योर इवेंट इज जीरो जीरो बाय सिक्स जीरो पॉन समथिंग जीरो के नीचे कोई भी नंबर होगा जीरो आ जाएगा ठीक तो इस तरीके से सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन सेवन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी जीरो और ऐसे इवेंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स

करेक्ट ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कैर टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड अब टेली मार्क्स आप क्यों यूज़ करते हो जैसे कि वो, कोई क्लास इंटरवल है मान लो बच्चों ठीक है जो हमने ग्रुप्ड फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पर रखा है उसमें कोई क्लास इंटरवल है सपोज फाइव टू टेन टेन टू फिफ्टीन अब मान लो फाइव से टेन वाले की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ फ्रिक्वेंसी होता था याद है, है ये क्लास इंटरवल है यहाँ फ्रिक्वेंसी ये क्लास इंटरवल है ये क्लास इंटरवल है और यहाँ क्या होता था टेली मार्क्स टेली मार्क्स ओके okay, और यहां फ्रिक्वेंसी लिखते थे सपोज फाइव से टेन वाले टोटल फोर हैं वन टू थ्री फोर अब फाइव से टेन कुछ भी हो सकता है भाई फाइव किलोग्राम से टेन किलोग्राम के बीच में नंबर ऑफ फाइव किलोग्राम से टेन किलोग्राम के बीच में सपोज कुछ ऑब्जेक्ट्स रखें उनका वेट है वेट कुछ बॉक्सेस रखे उनका वेट मेजर किया जा रहा है ठीक है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो फाइव से टेन के बीच में सपोज फोर बॉक्सेस हैं तो वन टू थ्री फोर तो यहां पे भी फोर लिखेंगे ठीक है तो फ्रिक्वेंसी को दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं टेली मार्क्स का याद है अगर हमें मान लो टेन से फिफ्टीन के बीच में सेवन फिफ्टीन सेवन बॉक्सेस ऐसे हैं जिनका मास टेन किलोग्राम से फिफ्टीन किलोग्राम के बीच में तो हम यहां सेवन लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां सेवन तो फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए किसी इंटरवल की क्लास की फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए या हम नॉर्मली बोले तो फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं टेली मार्क्स का ओके सो so, टेली मार्क्स आर यूज टू फाइंड फ्रीक्वेंसी सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके नोट कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी देखिए अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल सेवेंटी फाइव

एक स्लिप पे वन लिखा है नेक्स्ट स्लिप है इस पर टू लिखा होगा नेक्स्ट स्लिप है इस पे थ्री लिखा होगा नेक्स्ट स्लिप पे, लिखा होगा, एस पे लिखा होगा तो टोटल स्लिप्स uh, कितनी है फाइव है ठीक तो कह रहा है कि आर नंबर ऑन सेपरेट स्लिप्स दैट इज वन नंबर ऑन द स्लिप एंड पुट इन अ बॉक्स ओके ठीक है एक स्लिप पे एक नंबर लिखा हुआ है मैंने डायग्राम बना दिया इसको उठा के एक बॉक्स में डाल दो इस तरीके से अब रैंडमली रंड, इसमें से बिना देखे हुए बॉक्स में ऐसा नहीं कि देख के निकाल दो ठीक है बॉक्स को ऐसे रख दो इसमें से एक स्लिप निकालो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके हाथ में जो स्लिप आई है उस पर ऑड नंबर लिखा हो यही क्वेश्चन है पढ़ लीजिए वाहिदा पिकअप स्लिप फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग एट इट वट इज द प्रोबेबिलिटी दट द स्लिप बियर्स एंड ऑड नंबर क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्लिप पे ऑड नंबर लिखा होगा तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालनी है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वस टू बच्चों फॉर्मुला आपको पता है नीचे क्या रखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने वन टू थ्री फोर फाइव भैया तो वन आएगा तो टू आएगा तो थ्री आएगा तो फोर आएगा तो फाइव आएगा ठीक तो टोटल तो पॉसिबल आउटकम फाइव अब इसमें से ऑड कितने हैं वो आप देखो तो वन एक ऑड नंबर है यस सर थ्री एक ऑड नंबर है यस सर टू इवन है फोर भी इवन है फाइव एक ऑड नंबर है ऑर्ड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो टीज टू से डिविजिबल नहीं होते हैं तो वन थ्री और फाइव तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक योर इवेंट आपका इवेंट क्या है ऑड का आना तो ऐसे कितने इवेंट नहीं आई एम सॉरी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक योर इवेंट यस ऐसे कितने आउटकम है जो आपके इवेंट को सपोर्ट करते हैं आपका इवेंट क्या ऑड नंबर का आना तो कितने ऑड नंबर है वन टू थ्री टोटल थ्री ऑड नंबर हैं तो हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे थ्री सो आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर थ्री बाय फाइव ओके स्टूडेंट्स सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट नोट कर लीचे नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अ ग्लास जार कंटेन सिक्स रेड तो ये एक ग्लास uh, जार है इसमें सिक्स रेड मार्बल है ठीक फाइव ग्रीन मार्बल है फाइव ग्रीन मार्बल्स हैं फोर ब्लू मार्बल्स हैं आपके ब्लू मार्बल्स हैं और फाइव येलो मार्बल है इसको मिला दिया इस बॉक्स में ऐसा रख दिया या ग्लास जार में रख दिया अच्छी तरीके से ऐसा मिक्स कर दिया ठीक अब क्या करता है हरी हरी नाम का कोई लड़का है हरी टेक्स आउट अ मार्बल फ्रॉम द जार एट रैंडम ठीक हरी क्या करता है रैंडमली इसमें से एक मार्बल निकालता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल कौन से कलर का हो रेड कलर का हो

तो हम न्यूमरेटर में कितना रखेंगे सिक्स सॉल्व कर लीजिए सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी को सॉल्व करिए सिक्स बाय ट्वेंटी ओके सो टू थ्री जै सिक्स और टू टेन जै ट्वेंटी यानी कि आंसर कितना आ जाएगा थ्री बाय टेन क्या ऑप्शन में कहीं थ्री बाय टेन दिया हुआ है जाके देखिए यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए और स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है उसने आपसे बोला है कॉइन इज टॉस टू टाइम्स ठीक है देखिए आपका एक्सपेरिमेंट तब कंप्लीट होगा जब टू टाइम्स टॉस कर लिया जाएगा मतलब समझो अ कॉइन एक कॉइन है ठीक क्वाइन टॉस टू टाइम्स देखिए एग्जाम में आपको बोले याद रखिएगा आपको एग्जाम में छोले अ क्वाइन अ क्वाइन इज टॉस्ट अज टॉस्ट टू टाइम्स आपको एग्जाम में यह बोले या आपसे एग्जाम में यह बोले क्या कि टू टाइम टू क्वाइंस आर टॉस साइमलटेनियसली टू क्वाइंस आर टॉस्ट साइमल

फिर से टॉस करो फिर से रीडिंग लो मतलब देखिए आपने मान लीजिए टॉस किया ठीक अब टॉस किया भाई खुद सोचो फर्स्ट टाइम या तो हेड आ जाएगा ठीक या तो हेड आ जाएगा फर्स्ट टाइम और या तो क्या आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा यही बात है इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है फर्स्ट टाइम या तो हेड आएगा तो टेल आया होगा ठीक अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आपने आपके कॉइन में हेड आया तो आपने सेकेंड टाइम जब टॉस किया तो भाई हेड आ सकता है यानी कि हेड के साथ हेड भी आ सकता है फर्स्ट पे भी हेड सेकेंड पे भी हेड और या तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाले पे हेड आया हो और सेकेंड वाले पे क्या आ गया हो टेल आ गया हो ऐसा भी हो सकता है अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया यहां हम क्या मान के चले थे कि फर्स्ट टाइम हमारा हेड आ ही आ रहा है पक्का है ठीक ऐसा मान के चल लेते हैं तो अब हेड के साथ दूसरे वाले पे हेड आ सकता है या हेड के साथ दूसरे वाले पे टेल आ सकता है ठीक अब सुनो अब हम मान के चल रहे फर्स्ट टाइम हमने हेड फर्स्ट टाइम हमने टॉस किया क्या आ गया टेल आ गया यह मान के चल रहे ठीक सो टेल आ गया अब टेल के साथ नेक्स्ट टाइम या तो टेल आ जाएगा और नेक्स्ट टॉस में या तो क्या आ जाएगा हेड आ तो जाएगा यानी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं तो जवाब है हेड के साथ या तो हेड आ सकता है सही बात है हेड के साथ हेड आ सकता है या तो हेड के साथ टेल आ सकता है ठीक या तो टेल के साथ टेल आ सकता है या तो टेल के साथ हेड आ सकता है यही टोटल फोर पॉसिबिलिटीज हैं भाई आपका एक्सपेरिमेंट तब माना जाएगा ना जब दोनों कॉइन की रीडिंग आप ले लोगे तो फर्स्ट टाइम हेड शायद दूसरे टाइम्स भी हेड फर्स्ट टाइम हेड शायद दूसरे टाइम टेल फर्स्ट टाइम टेल शायद दूसरे टाइम भी टेल हो सकता है दोनों दोनों टाइम्स हमारे पास आ गया हो टेल आ गया हो फर्स्ट टाइम टेल दूसरे टाइम हेड ऐसा इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी आप मुझे बता ही नहीं सकते हो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई वन टू थ्री

तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अब इसी में अगर आपको एग्जाम में ये वाला आ जाता कि टू आ ये वाला तब भी हम इसको ऐसे मतलब होता है अब एक कॉइन नहीं दो कॉइन है दो कॉइन है दो हाथ में ले लो एक साथ उछाल का मतलब एक ही साथ उछाला नीचे गिरा देखोगे पहले वाले पे देखा दूसरे वाले पे देखा रीडिंग नोट कर ली भाई यही तो होगा क्या या तो पहले वाले पे हेड दूसरे वाले पे भी हेड आ रहा होगा ठीक या तो पहले वाले पे हेड दूसरे वे पे टेल आ रहा होगा या तो पहले वाले पे टेल और दूसरे पे टेल या तो पहले वाले पे हेड टेल आ रहा होगा दूसरे पे हेड आ रहा होगा इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता तो याद रखिएगा जब भी आपको एग्जाम में एक कॉइन लेके एक के बाद एक कंटिन्यूअसली टू टाइम्स टॉस करे वन कॉइन इज टॉस टू टाइम्स या टू कॉइन ले ले और एक ही बार टॉस करे आपके नंबर ऑफ आउटकम हमेशा कितने होंगे फोर होंगे अब आई थिंक आपको मेरी बात शायद समझ में आई होगी ओके स्टूडेंट्स सो इसको नोट कर लीजिए इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी ये नंबर ऑफ कॉइन जब भी ये टू टॉस करेगा ठीक है ना सो so, हमें क्या करना है बेस में हमेशा क्या रखना है टू और जितने टाइम्स टॉस करता है बेस में टू क्यों रखा क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है टू है मतलब एक यहां पे नहीं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यहां पे तो फोर है एक कॉइन पे दो ही पॉसिबल आउटकम होते हैं तो हेड आता है तो टेल तो बेस में हम क्या रखेंगे टू और पावर में हम लिखेंगे जितने नंबर ऑफ टाइम टॉस कर रहा है जितने नंबर ऑफ टाइम्स टॉस कर रहा है या जितने नंबर ऑफ कॉइंस दिए हैं टू क्वाइंस दिए तो पावर में टू एक कॉइन को टू टाइम्स टॉस किया है तो पावर में टू 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 का कितना आ गया फोर अब फोर का हाफ करो क्या होता है टू यानी कि टू टाइम्स हेड लिखना है टू टाइम्स टेल लिखना है ठीक फिर क्या करेंगे टू का हाफ़ करो वन आएगा यानी कि वन टाइम हेड लिखना है वन टाइम टेल लिखना है वन टाइम हेड लिखना है वन टाइम टेल लिखना है बस अब वन का हाफ तो हाफ होता है वन का हाफ़ तो वन बाय टू हो जाएगा तो अब कुछ नहीं करेंगे छोड़ देंगे ऐसे ही ठीक ये मैंने इसलिए बताया आपको इतना नोट कर लीजिए फिर बताता हूँ कि ये मैंने क्यों बताया आपको वैसे तो आप नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि मान लो इसने बोला होता अ कॉइन इज टॉस थ्री टाइम्स क्या बोल देता थ्री टाइम्स अगर टॉस करवा देता आपसे ठीक तब हम यहां क्या करते या थ्री कॉइन्स आर टॉस साइमिलटेनियसली एक कॉइन को तीन बार टॉस करता या तीन कॉइन को लेके एक ही साथ टॉस कर देता आपके टोटल पॉसिबल आउटकम एट हो जाते कितने एट यस सर कैसे आइए दिखाते हैं तब हम क्या करते हैं टू की पावर थ्री कर देते हैं कितना टू की पावर थ्री कर देते हैं क्योंकि टू तो क्या है कर रहे हैं या जितने आप कॉइन लेके चले हो तो थ्री क्वाल क्या होता है टू इंटू टू इंटू टू यानी कितना हो जाएगा एट हो जाएगा बस अब पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो जाएंगे आइए हम आपको दिखाई देते हैं तो यहां से देखो

उठाया फिर किया देखा उठाया फिर किया देखा तो या तो हेड फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी हेड थर्ड टाइम भी हेड आ रहा होगा या तो फर्स्ट टाइम हेड सेकंड टाइम हेड टेल आ रहा होगा एंड से ऑन टू इसी तरीके से या तो तीनों पे टेल देख लो ये टोटल पॉसिबल एट आउटकम्स हैं इसी तरीके से तीन कॉइन को एक साथ लेकर उछालोगे पहले पे देखोगे दूसरे पे देखोगे तीसरे पे देखोगे ठीक तो पहले पे हेड आ रहा होगा और दूसरे पे हेड आ रहा होगा तीसरे पे या तो ये वाली पॉसिबिलिटी हुई या तो पहले दूसरे पे हेड आ रहा होगा तीसरे पे टेल एंड सो ऑन टू ये बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया इन्होंने हमसे सवाल किसका पूछा था टू कॉइंस के लिए तो टू कॉइन का पूछे थ्री कॉइन का पूछे फोर कॉइन का पूछे कितने का भी पूछे वैसे टू और थ्री से ज्यादा पूछेगा नहीं ठीक है तो दोनों मैंने आपको बता है। okay, दिए हैं ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखिए डाइज देखा आपने लूडो खेलते हो जिससे आप ठीक है डाई को उठाया टू टाइम्स थ्रो कर दिया या टॉस कर दिया जो भी किया ठीक है डाई को उठाया फेंका आपने अब जो डाई होती है उसमें आपके कितने फेसेस होते हैं बताइए टोटल सिक्स फेसेस होते हैं ठीक ओके स्टूडेंट्स आप सुनो डाइज टॉस टू टाइम्स बोल दे एग्जाम में ये बोल दे या फिर आपको एग्जाम में बोल दे टू डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली टू डाइस आर टॉस्ट या थ्रोन कुछ भी बोल दे टॉस्ट साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली आपका बच्चों नंबर ऑफ आउटकम्स चेंज नहीं होगा दोनों क्वेश्चन नोट कर लो आप कॉपी में आपसे बोल दे अडाइज इज टू टाइम्स या आपसे बोल दे टू डाइज आर टॉस साइमल्टेनियसली यानी कि एक डाई को लेके टू टाइम्स टॉस करो मतलब डाई ली थ्रो कर दिया देखा क्या आ रहा है या तो वन आएगा तो टू आएगा तो थ्री आएगा तो फोर आएगा तो फाइव आएगा तो सिक्स तो आएगा फिर डाई को उठाया फिर से थ्रो किया फिर से देखा तो या तो वन आएगा तो टू आएगा तो थ्री आएगा तो फोर आएगा तो फाइव आएगा तो सिक्स आएगा या तो ये करवा ले या तो टू डाइस देखो क्या लिखा है मैंने टू डाइज आर टॉस से टू डाइज एक ये वाले हाथ में एक वाले हाथ में वन टू थ्री एक ही साथ साथमेंटेनियसली मतलब एक ही साथ टॉस कर दे नीचे गिर जाएगा देखोगे पहले फर्स्ट डाई पे देखोगे फिर सेकंड डाई पे देखोगे ठीक तो इसके पॉसिबल आउटकम होते हैं टोटल थर्टी सिक्स कैसे होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं देखिए यहां से आ जाइए देखिए बच्चों अब आप सोचिए जरा इसके बारे में देखिए भाई माना कि हमने फर्स्ट थ्रो किया तो फर्स्ट डाई पे मान लो मतलब फर्स्ट टाइम मान लो वन आ गया फिक्स कर लो वन को फिक्स कर लो मान लो कि पहले थ्रो में अरे भाई मान लो पहले थ्रो में क्या आ गया वन आ गया तो दूसरे थ्रो में क्या आ सकता है वन के साथ दूसरे थ्रो में भी वन आ सकता है वन को फिक्स कर लो ठीक दूसरे थ्रो में वन आ सकता है तो वन के साथ वन आ सकता है मान लो पहले में वन आया था दूसरे में वन के साथ टू आ सकता है पहले में वन फिक्स कर लो दूसरे में थ्री आ सकता है पहले में वन फिक्स कर दिया तो दूसरे में फोर आ सकता है पहले में वन फिक्स कर दिया दूसरे में फाइव आ सकता है पहले में वन फिक्स कर दिया तो दूसरे में सिक्स आ सकता है सेवन तो आ नहीं सकता क्योंकि सेवन डाइक के ऊपर लिखा ही नहीं होता है टोटल सिक्स नंबर्स यहाँ पे होते हैं ओके स्टूडेंट्स तो वन के साथ क्या आ सकता है सिक्स तक जा सकता है ये सोचा आपने पहले वाले पे वन फिक्स कर दिया आप सोचो सोचो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वाले पे टू आ गया हो यस सर ऐसा भी तो हो सकता है तो फर्स्ट डाई पे अगर टू आ गया होगा तो सेकंड पे टू के साथ वन अब टू को फिक्स कर दो टू के साथ वन आ सकता है टू के साथ सेकंड वाले पे टू आ सकता है टू के साथ थ्री आ सकता है टू के साथ फोर आ सकता है टू के साथ फाइव आ सकता है टू के साथ सिक्स आ सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे थ्री आ गया हो यस सर अब थ्री को फिक्स कर दो ठीक तो थ्री के साथ वन आ सकता है थ्री के साथ टू आ सकता है थ्री के साथ थ्री आ सकता है थ्री के साथ फोर आ सकता है थ्री के साथ फाइव आ सकता है और थ्री के साथ सिक्स आ सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे फोर आ गया हो यस सर फोर के साथ वन आ सकता है फोर के साथ टू आ सकता है फोर के साथ थ्री आ सकता है फोर के साथ फोर आ सकता है फोर के साथ फाइव आ सकता है और फोर के साथ सिक्स आ सकता है ये लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट वाले पे फाइव आ गया हो तो फाइव के साथ वन आ सकता है फाइव के साथ टू आ सकता है फाइव के साथ थ्री आ सकता है फाइव के साथ फोर आ सकता है फाइव के साथ फाइव आ सकता है और फाइव के साथ सिक्स आ सकता है ओके स्टूडेंट्स ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट डाई पे सिक्स आ गया हो सिक्स के साथ वन आ सकता है सिक्स के साथ टू आ सकता है सिक्स के साथ थ्री आ सकता है सिक्स के साथ फोर आ सकता है सिक्स के साथ फाइव आ सकता है और सिक्स के साथ सिक्स आ सकता है अब आप बच्चों काउंट कर लीजिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपको दिख रहा होगा टोटल कितने कॉलम है खड़े खड़े वाले कॉलम है वन कॉलम टू कॉलम थ्री कॉलम फोर कॉलम फाइव कॉलम सिक्स कॉलम और रोज भी कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जब भी रोज और कॉलम्स में एलिमेंट दिए हो तो नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो टोटल एलिमेंट आ जाएंगे सिक्स रोज सिक्स कॉलम सिक्स रोज सिक्स कॉलम्स तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे सिक्स इंटू सिक्स या टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स ठीक भरोसा नहीं है तो काउंट कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टी फिफ्टी सिक्सटीन सेवेंटी एटीन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वीट सेवन ट्वीट एट ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स ठीक तो ये दोनों के ही आउटकम है टू डाइज आर टॉस सेमिलटेंस टू डाइज को लेके थ्रो किया देखोगे पहले पे कुछ आया होगा दूसरे पे तो भाई या तो पहले पे वन आएगा दूसरे पे वन पहले पे वन दूसरे पे टू इसी तरीके से या तो पहले पे टू दूसरे पे वन तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके थर्टी सिक्स ओके स्टूडेंट्स इसको आप लोग नोट कर लीजिए